हेलो दोस्तों, मैं मैरोज सर पर आज आप देख रहे हैं टैक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5G नेटवर्क के बारे में। तो दोस्तों, मेरे पास इंस्टाग्राम पर बहुत से ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं जिनमें 5G नेटवर्क के बारे में जो है बात की गई है। मान लीजिए 5G नेटवर्क आने के बाद जो है 4G सर्विस का क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आया है। और 5G नेटवर्क जो है कब लॉन्च हो रहा है, और 5G नेटवर्क लॉन्च होने के बाद जो उसका प्लान्स का प्राइस होगा वो कितना होने वाला है, ऐसे कई क्वेश्चन मेरे पास जो है इंस्टाग्राम पर आ रखे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी सवाल के जो है जवाब देने वाले हैं। अगर आपका भी इनमें से कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों आपको आज आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की कि 5G नेटवर्क जो है कब लॉन्च हो रहा है। आपको मालूम ही होगा कि सरकार ने जो है 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है स्टार्ट कर रखी है, और कंपनियां एयरटेल, वी और जियो, और साथ ही साथ अडानी ग्रुप भी इसमें जो है अपना जो है हिस्सा ले रहा है, यानी कि स्पेक्ट्रम की नीलामी में जो है हिस्सा ले रखा है इन कंपनियों ने। तो दोस्तों, लगातार जो है अपने नीलामी के जो प्राइस है वो कंपनियां बढ़ाती जा रही है, यानी कि स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए वो कुछ भी कर रही है। तो दोस्तों, जैसे ही कंपनी स्पेक्ट्रम जो है खरीद लेगी, परचेस कर लेगी, उनको जो है स्पेक्ट्रम जो है मिल जाएगा, तो दोस्तों वैसे वैसे जो है कंपनियां अपना 5G नेटवर्क जो है लॉन्च करना स्टार्ट कर देगी। अब मैं आपको बताऊं कि लगभग जो है डेट क्या रहेगी 5G नेटवर्क लॉन्च होने की। तो दोस्तों, अभी जो है 1 से 2 महीना जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है लगातार चलती रहेगी, उसके बाद ही जो है 5G नेटवर्क जो है हमें देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपका जो है 5G नेटवर्क अभी नवंबर दिसंबर में कुछ शहरों में जो है, कुछ सिटी में जो है, बड़े बड़े सिटी में जो है लॉन्च होगा, उसके बाद जो है गाँव देहात में जो है लॉन्च होगा। यानी कि अगर आपका बड़ा सिटी लगता है, मान लीजिए आपका दिल्ली हुआ, बेंगलोर हुआ, आपका जो है गोवा हुआ, या ऐसे जामनगर हुआ, ऐसे बहुत से जो सिटी हैं, बड़े बड़े सिटी जो है, मुंबई हुआ, इन सिटी में जो है सबसे पहले जो है 5G नेटवर्क जो है लॉन्च होगा, यानी कि नवंबर दिसंबर तक ये सर्विस आपको जो है देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो है गांव देहात में जो है, छोटे शहरों में जो है 5G नेटवर्क लॉन्च होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि 5G नेटवर्क आने के बाद उसके प्लान का प्राइस क्या रहेगा। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को खुद ही समझ गए होंगे कि स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए कंपनियां जो है लगातार अपने प्राइस में जो है इजाफा करती जा रही है, यानी कि स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए वो कितनी भी कोशिश कर रही है उतनी कम है, यानी कि जितना चाहे वो पैसा लगा सकती है स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए। तो दोस्तों, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कंपनियां स्पेक्ट्रम महंगा परचेस करेगी, महंगा खरीदेगी, तो दोस्तों आपको जो है प्लांस भी जो है महंगा देखने को मिलेगा। ये आपका जो है 100% आपको प्लांस महंगा देखने को मिलने वाला है 4G के मुकाबले। तो दोस्तों, 4G के मुकाबले आपको जो है, मान लीजिए अभी आपका जो है 719 का 84 डेज का प्लान अगर आप 4G का लेते हैं, तो दोस्तों मान लीजिए आपका 5G नेटवर्क लॉन्च हो गया, आपको जो है 1000 तक का ये जो है आपको 84 डेज की वैलिडिटी वाला प्लान देखने को मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप 5G में शिफ्ट होना चाह रहे थे तो दोस्तों ये सोचना आपको जो है लाजमी है, तभी आप जो है 5G नेटवर्क में शिफ्ट हों। अब तीसरे क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं, जो मेन क्वेश्चन है 5G नेटवर्क आने के बाद जो है 4G सर्विस का क्या होगा। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा जब 4G सर्विस जो है लॉन्च हुई थी, 4G नेटवर्क जो है लॉन्च हुआ था, उस टाइम जो है 3G नेटवर्क भी जो है चल रहा था। जैसे जैसे 4G नेटवर्क जो है हर मोबाइल में जो है चलता चला गया, यानी कि हर कस्टमर जो है 4G मोबाइल जो है परचेज करने लगा, वैसे वैसे जो है 3G सर्विस जो है बंद होती चली गई। तो दोस्तों, अब जो है सिर्फ वी और BSNL के पास जो है 3G सर्विस है, अदर कंपनी के पास जो है 3G सर्विस नहीं है, यानी कि एयरटेल हुआ या फिर जियो हुआ। जियो ने तो सिर्फ अपना 4G सर्विस ही लॉन्च किया था, 3G 2G का तो इसका कोई मतलब ही नहीं था। तो दोस्तों, अब सवाल ये बनता है कि 5G नेटवर्क आने के बाद जो है 4G नेटवर्क का क्या होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें 4G जो है कस्टमर एकदम से जो है उसमें शिफ्ट हो गए थे, लेकिन 5G सर्विस में जो है शिफ्ट होने में कस्टमर को टाइम लगेगा, क्योंकि जो है 4G नेटवर्क जो है अगर हम चलाते हैं उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और हम जो है 5G नेटवर्क में शिफ्ट बहुत कम होंगे। इसी वजह से जो है 4G सर्विस आपकी जो है अभी तो कहीं नहीं जाने वाली, आने वाले टाइम में 5-6 साल या 10 साल लगभग इतना टाइम तो जो है 4G सर्विस हमें देखने को मिल ही जाएगी, क्योंकि जो है कस्टमर अभी जो है 4G सर्विस ही जो है चलाएंगे, क्योंकि जो है 5G नेटवर्क में जो है अगर प्लान्स उसका देखें तो दोस्तों उसका प्लान जो है बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है, और अभी जो है 5G मोबाइल भी बहुत कम जो है परचेस करेंगे।
मैं खुद ही अगर आपको बताऊं तो दोस्तों अभी जो है मैं 4G जो है मोबाइल चलाने वाला हूं, 5G अभी मोबाइल में बहुत कम यूज करूंगा, यानी कि अभी मैं 5G मोबाइल जो है परचेस करने की सोच भी नहीं रहा हूं। तो दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो है आपकी 4G सर्विस कहीं नहीं जाने वाली है, 4-5 साल आप जो है इसको यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों 3G सर्विस अभी जो है वी भी दे रहा है, BSNL भी दे रहा है, सिर्फ एयरटेल और जियो नहीं दे रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4G सर्विस आपकी कहीं नहीं जाने वाली। तो दोस्तों आई होप आपको इस क्वेश्चन का जो है आंसर मिल गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी टैक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं और मोबाइल के रिव्यूज भी करता रहता हूं, उनकी अच्छी बुरी बातें आपके सामने रख देता हूं। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।